दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई भाजपा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या मामले में दिल्ली सरकार समेत विपक्ष की सभी पार्टियां चुप्पी साधे हुई हैं। इसी बीच भाजपा नेता कपिल शर्मा मृतक के परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर 24 घंटे में करीब 50 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। आने वाले 15 फरवरी तक परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का प्रयास भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कपिल मिश्रा ने कहा है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में से रिंकू शर्मा की बर्बरता पूर्वक हत्या की गई है, उसके बाद से ही देश में गुस्से का माहौल है। रिंकू अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था, उसके छोटे भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। रिंकू के पिता के पास नौकरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिंकू शर्मा राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों में सबसे आगे थे। रिंकू अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए चंदा उगा रहे थे। अब उन्हीं की प्रेरणा से देश के हिंदुओं ने आगे बढ़कर रिंकू के परिवार की मदद के लिए पैसे जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा सोमवार 15 फरवरी को रिंकू के घर जाकर उनके परिवार से मिलेंगे। उन्होंने शुक्रवार शाम करीब 7 बजे इस सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की थी। इस मुहिम का मिश्रा को देश विदेश से भरपूर समर्थन मिल रहा है और मात्र 24 घंटों में 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं। मिश्रा सोमवार को रिंकू के घर जाएंगे और अभियान से इकट्ठा की गई धनराशि को उन्हें सौंपेंगे। वहीं भाजपा नेता कपिल शर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार मदद तो छोड़िए, संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल पाई है अब तक, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि परिवार को ना अकेले पड़ने देंगे और ना कमजोर होने देंगे। भाजपा राम भगत के परिवार को पूरी मदद मिलेगी।